सो ये सब देख सकते हो, ये तीनों ही रिवॉर्ड आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, डायमंड रॉयल वाउचर, रॉकी पेट और ये सर्वोड। लेकिन कैसे मिलेगा जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं फ्री फायर से रिलेटेड हर एक इवेंट एंड अपकमिंग इवेंट्स की वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस सभी रिवॉर्ड आप लोग को कैसे मिलेगा जानने के लिए सबसे पहले आपको जाना है गेम के अंदर। जैसे ही आप लोग गेम के अंदर जाएंगे, गेम के अंदर जाने के बाद आपको राइट साइड में इवेंट का सेक्शन दिख जाएगा, वहां पे जाने के बाद आप लोग को जाना है ई स्पोर्ट्स वाले जगह पे। जैसे आप लोग ई स्पोर्ट्स वाले जगह पे जाएंगे तो गाइस नीचे आप लोग देख सकते हो यहां पे आपको रिवॉर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले गाइस आप लोग देख सकते हो डायमंड रॉयल वाउचर, उसके बाद सर्फबोर्ड और एंड में आप लोग देख सकते हो रॉकी पेट। अब गाइस तीनों ही रिवॉर्ड काफी ज्यादा ओपी, एंड में आपको इसका सब कुछ यहां पे डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहले गाइस यहां पे बात करते हैं कि आप लोग इसका लेने के लिए क्या करना होगा, क्या मिशन को कंप्लीट करना होगा। तो गाइस अगर आप लोग डायमंड रॉयल वाउचर को लेना चाहते हो तो आपको 1,00,000 लाइव वॉचिंग कंप्लीट करना है। अब गाइस कैसे आपको लाइव वॉचिंग कहां करना है सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा धीरज रखिए। उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग 2,00,000 के लाइव वॉचिंग को कंप्लीट करा तो आप लोग को ये सर्फ बोर्ड का स्क्रीन बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ गाइस अगर आप लोग 3,00,000 तक का लाइव वॉचिंग कंप्लीट करा तो ये रॉकी पेट भी आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। यानी गाइस टोटल आपको 3,00,000 के लाइव वॉचिंग को कंप्लीट करना है, उसके बदले में आपको ये तीनों ही रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये गाइस हो चुका है रिवॉर्ड। अभी बात करते हैं कि इसका डेट कब है, कब आपको मैच देखना है। तो गाइस मैच आपको देखना है 18 तारीख को, यानी आज से 5 दिन बाद आपको 18 तारीख को मैच देखना है 18 जुलाई को। तो गाइस टाइम की अगर बात करें तो वो है शाम के 6 बजे आपको लाइव मैच देखना है। जो ग्रैंड फिनाले होने वाले वो आपको देखना है शाम 6 बजे। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे लाइव वॉचिंग आपको कहाँ करना है, तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सो गाइस इस मैच को लाइव वॉच करने के लिए आपको जाना होगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको सर्च करना होगा फ्री फायर ई स्पोर्ट्स इंडिया। और गाइस अगर आप लोग सर्च नहीं करना चाहते तो एक और रास्ता है, देख सकते हो नीचे आपको गो टू लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको सिंपली उस गो टू के ऊपर टैप करना है। जैसे आप लोग गो टू के ऊपर टैप करेंगे तो गाइस आप लोग देख सकते हो आप लोग कुछ उस चैनल के अंदर आ जाओगे जिस चैनल पे यहाँ पे ये गेम लाइव होने वाला है। लेकिन गाइस फिलहाल तो लाइव नहीं है क्योंकि इस लाइव शुरू होने वाला है 18 तारीख शाम 6 बजे। आप लोग सारे 6 बजे के आसपास आ जाना। बाकी गाइस आप लोग यहाँ पे लिखा भी देख सकते हो द लाइव इवेंट विल बिगिन इन 5 डेज, यानी 5 दिन बाद ये इवेंट शुरू होने वाला है। तो गाइस अभी बात करते हैं कि आप लोग को ये सभी रिवॉर्ड मिलेगा कैसे, मतलब आपने लाइव वॉच कर लिया, 3,00,000 का लाइव वॉचिंग भी कंप्लीट हो गया, लेकिन गाइस गैरेना को पता कैसे चलेगा कि आपने मैच देखा था कि नहीं देखा था। इसलिए गाइस क्या होगा, गाइस आप लोग को मैच के अंदर यहाँ पे रिडीम कोड दिया जाएगा। रिडीम कोड जैसे ही आएगा तो गाइस मैं क्या करूँगा आप लोग को भी रिडीम कोड बता दूंगा क्या है। रिडीम कोड जानने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना, क्योंकि जैसे ही रिडीम कोड आएगा मैं आपको चैनल के ऊपर एक वीडियो बना के एकदम लाइव क्लेम करके दिखा दूंगा। तो गाइस आप लोग क्या करना, आपको सिंपली उस वीडियो को देखना है, उस वीडियो के अंदर रिडीम कोड होगा, आप लोग को भी बिल्कुल मेरी तरह रिडीम कोड को लेके सभी रिवॉर्ड को क्लेम कर लेना है। तो गाइस इसके बाद हम लोग बात करते हैं रॉकी पेट के बारे में, आखिर उसका एबिलिटी क्या है। सो गाइस उसके लिए हम लोग को जाना होगा पेट सेक्शन में। चलते ही ऐसे पेट सेक्शन के अंदर जाने के बाद गाइस आप लोग सबसे ऊपर आ जाना, और जैसे ही आप लोग ऊपर आएंगे तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को रॉकी पेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस करते इसके ऊपर टैप करने के बाद गाइस हम लोग को जाना है यहाँ पे स्किल वाले सेक्शन में, क्योंकि इमोट वगैरह तो सब फालतू होते हैं। चलिए यहाँ पे स्किल सेक्शन में जाते हैं, देख सकते हो इस यहाँ पे मैं स्किल सेक्शन में आ चुका हूँ। और गाइस अगर आप लोग इस कैरेक्टर को मतलब इस पेट को अगर हाई लेवल तक कर लेते हो तो ये क्या करते हैं, किसी भी एक्टिव स्किल के कैरेक्टर का कूल डाउन को ये 15% तक डाउन कर देता है। अब गाइस 15% क्या होता है, कूल डाउन क्या होता है, चलिए मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले हम लोग समझते हैं कूल डाउन टाइम को। गाइस कूल डाउन टाइम किसे कहते हैं, गाइस मान लीजिए आपने उकोंग को एक बार यूज़ किया, एक बार आप लोग घास बन गए, घास बनने के बाद गाइस क्या होता है आप लोग दोबारा उसी टाइम घास नहीं बन सकते, बनने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। मतलब वो टाइम कितना होता है उसको कहते हैं कूल डाउन टाइम। और गाइस उकोंग की अगर बात करें तो 200 सेकंड बाद आप लोग दोबारा से उकोंग बन सकते हो। लेकिन गाइस अगर आप लोग इस पेट को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये 200 सेकंड घट जाएगा। मान लीजिए गाइस यहाँ पे 15% के हिसाब से अगर देखें तो 100 सेकंड में 15 और 200 सेकंड में 30, यानी गाइस आप लोग सिर्फ और सिर्फ 170 सेकंड्स के अंदर ही दोबारा उकोंग बन पाएंगे। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा ओपी बात है, और सिर्फ और सिर्फ उकोंग नहीं आप लोग इसको अलोक क्रोनो सभी के अंदर यूज़ करके देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ओपी पेट है। सबका कूलडाउन टाइम ये घटा देगा, मतलब कम कर देगा, जिसके आप लोग ज़्यादा जल्दी जल्दी किसी भी कैरेक्टर की स्किल को यूज़ कर सकते हो। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, अभी आपको बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बंदों के पास शेयर करना है ताकि सभी बंदों को पता चले। तो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करके दोस्तों को बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।